हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या परचेज किया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने परचेज किया है ये एंथोरियम प्लांट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल सा प्लांट है। देखिए इसकी ब्लैक सी लीव मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया और ये सिर्फ मुझे 30 रुपीज़ में मिला है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा। देखिए फ्रेंड्स, और इसमें फ्लावर भी आते हैं। अभी सर्दियों में ही इसमें फ्लावर आते हैं, तो कुछ दिनों में इसमें फ्लावर भी आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना हेल्दी प्लांट्स है। और हमने ये सब लोकल नर्सरी से परचेज़ किया है। और हमने ये परचेज़ किया है मार्बल पोथोस। ये देखिए फ्रेंड, ये ज़्यादा बड़ा प्लांट तो नहीं है, छोटा सा प्लांट है। ये मुझे 40 रुपीज़ का मिल गया, इसलिए मैंने इसे ले लिया। मेरे पास पोथोस की 2 वैराइटीज़ हैं, पर ये वाला प्लांट मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया। और मैंने प्लांट में परचेज़ किया है ये कोलियस। ये देखिए, मेरे पास एक कोलियस पहले से ही है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कोलियस यहाँ पर रखा हुआ है। और ये दूसरी वैरायटी है कोलियस में ही। ये देखिए फ्रेंड्स, की पत्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया। और ये मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ का मिला है। और फ्रेंड्स, मैंने परचेज़ की हैं ये 2 ग्लैडुलस के बल्ब। बल्ब उगाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही बल्ब खरीदे हैं, ताकि मैं इस बार इनको उगा कर देख लूँ कि ये किस तरह से उगते हैं और इनके क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट ईयर मैं ज़्यादा बल्ब ग्रो करूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने ख़रीदा है ये देखिए, ये कंपोस्ट है। ये पैकेट मुझे 10 रुपीज़ का मिला है। ये गोबर की खाद है और ये 10 रुपये का ही मुझे मिला है यहाँ पर। और ये देखिए, ये बोन मिल है। ये देखिए बोन मिल फ्रेंड, मुझे 60 रुपीज़ का ये एक पैकेट मिला है। ये 1 kg का है और ये 60 रुपीज़। आप सब जैसे जानते हैं कि बोन मिल विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया है। और फ्रेंड, इन सब में मेरा फेवरेट है ये वाटरिंग कैन। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है इसका डिज़ाइन, इसे मैंने परचेज़ किया है। ये मुझे मिला है सिर्फ 180 का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप चाहें तो इसकी नोजल को निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा स्प्रे नहीं करना है तो आप इसको निकाल कर यहाँ से डायरेक्ट पानी दे सकते हैं प्लांट्स को। और फ्रेंड्स, मैंने परचेज़ किया है ये प्लांटर। ये देखिए फ्रेंड, मुझे मिट्टी के गमले ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि एक तो ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्लांट्स इन मिट्टी के गमलों में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने लिया है डहेलिया लगाने के लिए। आप सबको जैसे ही पता है कि मैंने डहेलिया ग्रो किया है सीड से, तो मेरे डहेलिया के प्लांट सब जो जिसमें हमें इन्हें लगाना है उसमें लगाने लायक हो गए हैं, इसलिए मैं अब इन्हें इसमें फिर से रिपॉटिंग करूँगी उनकी, इसलिए मैंने ये प्लांट ख़रीदा है। तो फ्रेंड, बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।